यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पाली में आज सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक परीक्षा हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। सहारनपुर में 91 परीक्षा केंद्रों पर 69,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। यहां 6 जोन और 12 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और कुल 4600 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। वहीं बलिया में 234 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। यहां 1,71,586 छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचे। यहां नकल रोकने के लिए 27 सेक्टर में 5 जोनल और 24 नोडल अधिकारी बनाए गए। बता दें कि 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च तक चलेगी। वहीं सुबह हुई बारिश की वजह से मौसम खराब हो गया, लेकिन छात्रों का हौसला कम नहीं दिखा। रामपुर में परीक्षा की निगरानी के लिए 7 जोनल और 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं एग्जाम रूम्स में भी निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। हर एक सेंटर पर सीसीटीवी की व्यवस्था का दावा किया गया, जिससे परीक्षा पूरी तरह से निगरानी में हो सके। वहीं हापुड़ में 27,655 छात्र 36 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षाएं दे रहे हैं।